सऊदिया गुलशन के नाम से हम यहाँ पहुँचे। जबरदस्त सईद भाई, ये 310 ने कितना पेट्रोल पिया सईद भाई? यासिर भाई नाश्ता तैयार है। ये हमारे सईद भाई हैं, ये हमारे अहमद भाई। पाल भाई का अल रियाज फूड। क्या हुआ आसिफ? वही सही हाँ, बड़े गियर मेरे को नीचे गिरा रहा है। बाद तीन दफा चार दफा से ऊपर जा ही है, फिर नीचे गिरा रहा है। तो छोटा गियर लगा था, फिर ऊपर जाता है। वही बता क्या सर? ओ वो टूल लिखा लो, साइड पे ले आओ ना बाइक, साइड पे लगा। उसकी क्लच प्लेटें कमजोर हो गई, आरपीएम बहुत गिरा रहा। नहीं, आरपीएम ऊपर जा रहा है, व्हील नहीं जा रहा। हाँ, तो वही ना, और इसका क्लच प्लेटें कमजोर हो गई। हाँ ना, ये आगे और तंग करेगा। जाने दो, स्लो स्लो है। नहीं भाई, तंग करेगा इसको, ये उड़ जाएंगे रास्ते में। इसको फिर क्या करेंगे, टो करेंगे? क्या ख्याल है यार? रात तो सही जा रहा था। नहीं नहीं भाई, सलूम में सही है। जब आप आई आर पी एम पे ले जाते हैं ना 6,000 के बाद, फिर उधर फ्री हो जाता है नीचे से। क्या करना है? मजबूरी है यार अभी इसको। तो अगर आपकी आप आए डबल पे आ जाओ। सामान क्या करे, बाइक क्या करे?
भाई इधर छोड़ देते हैं। नहीं सामान सामान किधर उठाएंगे भाई, क्या करना है? ये अभी तो देखो चल रही है, अभी चल रहा है ना, जिधर गर्म हो गया फुल फ्री हो जाएगा, फिर ना इधर के ना उधर के, फिर गेयर नहीं लगेगा। या तो काम करो ना, मेरी बात सुनो, इसको भेज दो इमरान के पास, वो बेहतरीन बंदा है, उसकी जगह भी अच्छी है, ना कोई टेंशन। हो सकता है उसके पास कोई अल्टरनेट हो जाए, पास कोई अल्टरनेट पड़ा होगा, अगर पड़े थे डला के निकल जाओ। जबरदस्त सईद भाई, अभी लोरलाई किसे बाहर, ये रेस्टोरेंट है सऊदिया गुलशन के नाम से, हम यहाँ पहुँचे हैं और टाइम इस वक्त हो रहे हैं यहाँ पे 5 बजे, चूँकि हम लेट निकले थे, फिर बीच में आसिफ भाई के बाइक में छोटा सा इशू भी था, तो इसलिए बस हमारे साथ एक नए राइडर थे, ये
110 पे, तो वो ज़रा स्पीड में स्लो थे तो इस वजह से लेट हो गए। बहरहाल फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह जैसे चाय शाय पी के निकलते हैं। अहमद भाई, चाय कैसी है? बेहतरीन सर। इस सर्दी में चाय कैसे लग रहा है? इस सर्दी में चाय ऐसे लग रहा है जैसे वो कहते हैं ना, चिकन खाने वाले को मटन मिल गया। मटन मिल गया। यासिर भाई, कैसा रहा सफ़र आपका भाई? बेहतरीन भाई। ये जी हम अभी चाय शाय पी के इंशाल्लाह लोरलाई से निकलेंगे, तो आप लोग दुआ कीजिएगा हमारे लिए। तो यहाँ से फोर्ट मंडरू इंशाल्लाह कोई डेढ़ से दो घंटे का रास्ता है, उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह फोर्ट मंडरू। तो खैर अभी वैसे भी रात हो जाएगी, तो आज का इतने ज़्यादा वीडियोस हमने वैसे बनाए नहीं है क्योंकि निकलते निकलते लेट हो गया था मैं। ये 310 ने कितना पेट्रोल पिया सईद भाई? 310 ने कितना पेट्रोल पिया? बैठे हैं यार, इसने 25 लीटर पिया इधर तक। आप लोग बैठे प्लीज। सर ये तो बहुत जबरदस्त। अब बेटे बच्चा फोटो खींच। जी जी सईद भाई हैं, ये हमारे अहमद भाई, और ये वन एंड ओनली फैजान भाई। और म्यूज़िक भी चल रहा है और ये भाई लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। सईद भी सो गए, जाग रहे हैं। कहते हैं अभी तक बहुत नहीं जाना।